दिल्ली के नारेल में आम आदमी पार्टी की अवैध प्रचार सामग्री होने का आरोप। सफियाबाद रोड के जल बोर्ड दफ्तर पर रखी है आम आदमी पार्टी की अवैध प्रचार सामग्री होने का बीजेपी जिला अध्यक्ष ने लगाया आरोप। बीजेपी के जिला अध्यक्ष नील दमन खत्री ने जानकारी के आधार पर जल बोर्ड के दफ्तर पर मारा छापा। पुलिस के अधिकारी सूचना के बाद मौके पर पहुंचे। चुनाव आयोग को भी दी गई अवैध प्रचार सामग्री होने की जानकारी। पुलिस और चुनाव आयोग की टीम मामले की जांच और पूछताछ में जुटी। राजधानी दिल्ली में चुनाव प्रचार को लेकर सबसे आगे नजर आ रही आम आदमी पार्टी पर अब सरकारी दफ्तर में चुनाव सामग्री को रखने का आरोप लगा है। दर्शन दिल्ली के नरेला विधानसभा के सफियाबाद रोड पर बने जल बोर्ड के दफ्तर पर सरकारी दस्तावेज रखे हुए थे, जिसमें केजरीवाल द्वारा लिखे गए कुछ लाए थे जो कि लोगों के घरों में डाक द्वारा पहुंचाए जाने थे। लेकिन उससे पहले भारी संख्या में यह लेटर सफियाबाद में बने जल बोर्ड के दफ्तर में रख दिए गए, जिसकी जानकारी बीजेपी जिला अध्यक्ष नील दमन खत्री तांवर ने पुलिस को जानकारी देते हुए जल बोर्ड के दफ्तर पर छापा मार दिया, जहां से भारी मात्रा में केजरीवाल के लेटर हेड पर लिखे हुए बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी लोगों के घरों में मायर पोस्ट भेजने के लिए करने वाली थी। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस और चुनाव आयोग को भी दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची लोकल पुलिस और चुनाव आयोग की टीम लगातार इन दस्तावेजों को कब्जे में लेकर पूछताछ में जुटी है। सवाल यह खड़े होते हैं कि इतनी भारी संख्या में यह दस्तावेज, जिनका इस्तेमाल कहीं न कहीं चुनाव प्रचार के तरीके से किया जाने वाला था, वे सरकारी दफ्तर में कैसे और किसकी इजाजत से रखे गए। मेरा नील दमन खत्री नाम है जी। सर, आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। नील दमन जी, जो आपके हाथ में जो ये रोस्टर जो कागज दिख रहा है, ये क्या चीज है जो आपने ये जल बोर्ड के ऑफिस में जो आई हुई है? ये जो मैं पढ़ा है जी, ये चीज अवैध चुनाव प्रचार सामग्री जी जी, और ये केजरीवाल साहब के दस्तक हैं, सिग्नेचर हैं जी, के लेटर हैं जी, ये आप चिन्ह देख रहे होंगे जी, ये उनका पत्थर है जी, और ये बाई नेम आए हैं, ये सभी जो कनेक्शन धारी हैं उनके बाई नेम भेजे हैं जी, जो चुनाव आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। मैं मांग करता हूँ कि तुरंत चुनाव आयोग एक्शन ले और इस केजरीवाल की जो पार्टी की सदस्यता है वो तुरंत चुनाव आयोग रद्द करे। वो इस प्रकार से अपने डिपार्टमेंटों के द्वारा चुनाव प्रचार का इस्तेमाल कर रहा है, जो नियम से गलत है। ये जो सामग्री आई है चुनाव से संबंधित है, ये इसमें सीधा लिखा है कि अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीजिए, इसमें साफ लिखा है। तो आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो अपना प्रचार कर रही है? आपका कहने का मतलब है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपना प्रचार कर रही है? अच्छा, आम आदमी पार्टी अपने डिपार्टमेंटों के द्वारा, अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा चुनाव प्रचार कर रही है। ये चुनाव आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से ये मांग करता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए और जिन अधिकारियों के मिली भगत है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ठीक है। Thank you.